अगर मैं एलबी करूंगी तो आप सब लोग सपोर्ट करिएगा। हेलो फ्रेंड, सुधा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी नहा के आए हैं, नहा के पूजा कर लिए हैं और आए हैं। अभी थोड़ा बहुत देर है इन लोगों में, आज मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया और इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि पोछा नहीं लगाना था। यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब धूप नहीं निकला, आज तो थोड़ा बहुत निकल रहा है, लग रहा है निकलेगा, लेकिन कल इतना ज़्यादा बारिश और ऐसा मौसम हो गया था जैसे लग रहा था कि नवंबर दिसंबर का मौसम है। और 6 बजे से पहले ही अंधेरा हो गया था और ठंडी भी लग रही थी, पंखा पे भी ठंडी लग रहा था, तो कल मौसम अच्छा था। तो पोछा लगा दो ना, कल ही लगा दिए थे तो जैसे जल्दी सूख नहीं रहा था, तो आज कहे कि आज नहीं लगाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा काम जल्दी हो गया। और सब्ज़ी काट के अभी आए हैं, सब्ज़ी काट लिए हैं तो लगा के वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। और सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर लो तो फिर मतलब बन जाता है, और अगर नहीं स्टार्ट करो तो लगता है अभी ये कर ले फिर स्टार्ट करते हैं, अभी ये कर ले फिर स्टार्ट करते हैं। और काम मेरा ख़त्म हो गया है, इन लोगों का देखते रहते हैं। मेन करना है चावल फ्राई करना है, तो चावल फ्राई के लिए सब काट के रख के आए हैं। और सब्जी भी, आलू बैंगन सोया तो काट के आए हैं। तो एक तरफ ये सब करते जाएंगे और रोटी कम बनाना है क्योंकि नाश्ते में चावल फ्राई है तो केवल टिफ़िन के लिए बनाना है। अभी जाके तो मेरे चैनल का 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट तो हो गया, लेकिन फिर वही है कि कंप्लीट होके फिर पीछे चला गया, तो इतना तो उम्मीद भी रखते हैं, अब तो आदत हो गई है। जब भी सब्सक्राइबर एक दिन में 10-15 बढ़ते हैं तो अगले दिन मैं निश्चिंत रहती हूँ कि 10 तो कम से कम जाएंगे ही जाएंगे। और वही हुआ मेरा कल सुबह, जब हाँ कल सुबह 503 था, तो मतलब लग रहा था कि 12-1-2 बजे तक में जाएगा ही जाएगा, फिर 503 से सीधे 493 पे आके हो गया। तो वही है, अब उससे थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबके जैसा नहीं बढ़ रहा है, सबके हैं कि वॉच टाइम की प्रॉब्लम है, सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं और मेरे नहीं बढ़ रहा है। इसका वजह भी ये भी है, बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि आप एलबी नहीं कर रहे हो और सबके एलबी में नहीं जाते हो, तो इसका वजह ये भी हो सकता है क्योंकि लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस तरह के देखे तो मैं नहीं कर पाती हूँ। एलबी करने से भी जितने घंटे आप करिए उतना घंटा का आपका काम रुक जाता है। और मेरा थोड़ा सा नहीं होता है, सबकी तरह नहीं है सोच, मेरा रहता है कि अगर मैं एलबी करूँ तो प्रॉपर मतलब उस समय उतना देर मोबाइल में ही दूँ, ये नहीं कि काम भी करती रहूँ और फिर वो करती रहूँ। और उस तरह का समय जब मुझे समझ में ही नहीं आता है कि कब ऐसा समय निकालें, मेरे पास दोपहर का रहता है कि मैं दोपहर में चाहूँ तो कर सकती हूँ, तो दोपहर में रहता है कि देव को सुलाना बहुत ज़रूरी रहता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दे पाऊँ, जितना यही दे रही हूँ तो इसी में मैं अपना देख रही हूँ कि रेगुलर का मेरे जितने काम होते हैं, मेरे बच्चों के लिए मैं जितना समय देती हूँ, सब में मतलब थोड़ा बहुत कटौती हो रहा है। और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि कटौती हो। देव का मैथ के एग्ज़ाम में देव का नंबर मतलब ठीक आया है, मैथ में मतलब वो अच्छा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये मेरी गलती है, उसकी नहीं है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मतलब नहीं लगता है कि मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ कि इसमें ज़्यादा समय दूँ। मुझे लगता है कि इसको मैंने पहला नहीं रखा है, मैंने अपना घर का काम, अपने बच्चे, यही वजह है कि बहुत जगह बहुत लोग बोलते हैं करो यहाँ से यहाँ आया करो, यहाँ समय दो, लेकिन मैं नहीं दे पाती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ कि भले मेरा बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मैं अपनी गृहस्थी उथल पुथल नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा अपना भी होता है, मेरा नेचर है, ऐसा नहीं है कि मेरे पे दबाव है मैं हर कुछ प्रॉपर करूं, लेकिन मेरा नेचर है कि मैं बहुत ज़्यादा अपना कुछ सब रेगुलर के काम में मतलब डिस्टर्ब नहीं बर्दाश्त करती। तो वही है कि देखते हैं आज आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अगर मैं एलबी करूंगी तो आप सब लोग सपोर्ट करिएगा, आप सब लोग आइएगा, ऐसा नहीं हो कि मैं लाइव आ गई और कोई आया नहीं, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो चलते हैं अभी किचन में, चावल बच गया था तो कल कोई नहीं खाया तो रख दिए थे, इसी कढ़ाई में बना ले रहे हैं क्योंकि ये कढ़ाई तेल का था ना, तो फिर सोचे इसको धुलना ही है। वैसे तो इस कढ़ाई में कुछ भी तलना जितना आसान होता है उतना ही कुछ बनाना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत जल्दी चिपक जाता है, लेकिन चावल फ्राई ये साथ साथ चलाते रहेंगे तो नहीं चिपकेगा। अभी इधर बना रहे हैं,
आलू बैंगन सोया की सब्जी टिफिन के लिए, टिफिन और हम लोगों के दोपहर का भी हो जाएगा। कुछ टमाटर डालना है, बाकी सब्जी मसाला डाल दिए हैं, दोनों का अलग अलग करके रखे हैं। चावल फ्राई भी बनेंगे और आज के चावल फ्राई में थोड़ा तेल ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि कढ़ाई में तेल था ना, तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी। वैसे तो दालें नहीं है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल चिपका नहीं क्योंकि तुरंत तुरंत चला रहे थे, वरना इसको ढक के रख दो, इस कढ़ाई में कुछ भी ढक के रख दो तो बहुत जल्दी चिपक जाता है, लेकिन धुलने में इसको बहुत आसान होता है, बिल्कुल मेहनत नहीं होता धुलने में। जाके मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, देव को भी ला दिए और दाल चढ़ाए हैं, दाल बन जाए उसके बाद। देव तो अभी मठरी लेके बैठे हैं, लंच में दिए थे तो पता नहीं उनको पेट में दर्द होने लगा क्या हुआ, नहीं खाए। बच्चों के लिए दलिया बनाए थे तो दलिया लेके बैठे हैं और कह रहे पहले दलिया मतलब बेकार चीज़ पहले खा लूँ फिर मठरी खाऊँगा। हम कह खा ली तो खा लेंगे, थोड़ा देर टीवी देखेंगे तो फिर माँ बेटा अपना लगेंगे इसमें। बहुत ये सुबह का रहता है भागम भाग वाला, तो सुबह का काम ख़त्म हो जाता है तो बहुत जैसे लगता है कि अब कोई काम ही नहीं है। और जो ब्लाउज सिले हैं उसका हाथ का काम वैसे ही रखा, उस दिन के बाद से जिस दिन सिलाई किए हैं उसके बाद से तो उसको छुए ही नहीं है। आज दोपहर में नींद नहीं आ रही है और कलर देखिए मेरा कैसा आ रहा है, ये यहाँ पे ग्रीन कलर की वजह से। तो अभी जा रहे हैं छत पे कपड़ा डालने, सोचे थे कि पहले सो लेंगे फिर कपड़ा डालेंगे क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता है और सब सूखे कपड़े हैं, कल का धुला हुआ है, तो बस वही है कि थोड़ा सा बरसात का महक निकालना है तो बस उतना ही है। और सो जाते तो पता चलता कि बारिश हो गया, पूरा कपड़ा भीग जाता, तो इसीलिए नहीं डाले। लेकिन नींद नहीं आई तो फिर 1:30 या 2 बज रहा होगा, चावल चढ़ा दिए हैं और इधर चलते हैं। अपना तो जो नहाए थे आज का तो वो तो कपड़ा ले जाके छत पे डाले हैं क्योंकि पूरा गीला है, हाथ से धुले हैं तो पूरा गीला है, तो उसका नहीं था कि गीला भी हो जाए तो कुछ नहीं। लेकिन ये सब कपड़ा सूखा है तो गीला हो जाता तो फिर, और आंगन खोल देते तो भी हो जाता, लेकिन आंगन खोल दो तो फिर बरस जाएंगे तो फिर। और आज देख रहे हैं कि कैसे लाइव आया जाता है तो मुझे कुछ भी करने नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता, डर लगता है सबसे बड़ी बात कि करने आ भी जाए नेक्स्ट करने को देता रहता है तो कर दे तो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो अभी ओम आएंगे तब अभी लेके आए मिर्ती, तो लाते लाते ठंडा हो जाता है और यही लिए इनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनको रहता है ना मतलब जो चीज़ें गर्म खाई जाती हैं। तो हम लोगों का घर इस समय इतना दूर है कि, और ये इधर से ख़रीदारी नहीं करते हैं, उधर ही से खरीद के लाते हैं कुछ भी जैसे, तो वहाँ से आते आते इतना ठंडा हो जाता है तो चलते हैं, क्या करें ठंडा ही खा लेते हैं। आज वीडियो का जाते कुछ नहीं हो पाया, ब्लाउज सिलने लग गए तो ब्लाउज़ के हाथ का काम भी हो गया, अभी फाल बचा है जो भी मशीन का लगा है उतना ही है तो वो बच गया है। और
कपड़ा का काम बहुत ज़्यादा हो गया था, पूरा फैलाए थे तो फिर सीधा करके ऊपर से लाए हैं। और कुछ देखिए, कुछ तो फोल्ड कर दिए हैं और कुछ यहाँ पे अभी पूरा रखा हुआ है, तो कपड़ा फोल्ड करेंगे। कपड़ा पहले फोल्ड कर लेंगे फिर चाय बनाएंगे, क्योंकि मीठा अभी खाए हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक का है। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। कैसी लगती है मेरी वीडियो कमेंट करके बताया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।